बस अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ी न्यूज ट्रेन में चल रही है कि हमारा फ्री फायर मैक्स फ्री फायर की तरह बैन होने वाला है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि हमारा फ्री फायर मैक्स भी बैन होने वाला है, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या हमारा फ्री फायर मैक्स सच में बैन होगा या नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बस हाल ही में मुझे एक पोस्ट मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि द वेबसाइट हैज बीन ब्लॉक्ड एज पर ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर इट एक्ट 2000। और ये जो एक्ट बताया जा रहा है, इस एक्ट के तहत हमारे BGMI भी इंडिया में बैन किया है। और फ्री फायर का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी रिसेंटली कोई भी इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आई है। और बात की जाए इस स्क्रीनशॉट की, तो ये वो वेबसाइट है जिसके जरिए यूट्यूबर्स लोग टुनाइट अपडेट या फिर आप लोगों को इवेंट्स वगैरह बताते थे। उन लोगों का कहना है कि इस वेबसाइट से 26 तारीख तक का यानी आज तक का इवेंट दिखाई देता है। जैसे हम लोग 27 तारीख का इवेंट देखते हैं तो कुछ इस तरीके का आ जाता है। बट यहाँ पे इन्होंने 26 और 27 तारीख का स्क्रीन रिकॉर्ड करके ये प्रूफ नहीं किया है कि हमारा फ्री फायर बैन होने वाला है। ये आप लोगों को बस स्क्रीनशॉट दिखाया जो कि बिल्कुल ही फेक है। और इस स्क्रीनशॉट में ना ऐसे बहुत सारे झोल है जिसको देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये स्क्रीनशॉट बिल्कुल ही फेक है। पहले तो आप लोग यहाँ पे इस वेबसाइट को देखो, यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम जानबूझकर छुपाया गया है। भाई अगर वेबसाइट ब्लॉक हो गई या फिर ब्लॉक होने वाली है तो इस वेबसाइट का नाम छुपाने की कहां जरूरत पड़ेगी। दूसरा झोल स्क्रीनशॉट में ये की बताया जा रहा है कि 26 तारीख यानी आज तक का इस वेबसाइट से अपकमिंग अपडेट बताया जा रहा है। और ये जो पोस्ट है हमारे सामने कल 25 तारीख को आई थी। बट सोचने वाली बात ये है कि 26 तारीख यानी आज तक का इन लोगों को अपडेट पता कैसे चला। इस स्क्रीनशॉट में साफ साफ लिखा हुआ है कि द वेबसाइट हैज बीन ब्लॉक, यानी कि ये जो वेबसाइट है ये पहले से ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है। और अगर आप लोगों को अभी भी इतना प्रूफ दिखाने के बाद में भी तसल्ली नहीं मिल रही तो आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं। यहां पे स्क्रीनशॉट के नीचे देखो यू प्राउड बीइंग लिखा हुआ और साथ में यू वोडाफोन का लोगो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, स्क्रीनशॉट के नीचे वोडाफोन का लोगो क्या कर रहा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। आप लोगों को स्क्रीनशॉट के नीचे यू प्रूट बैंक लिखा हुआ है, ये वोडाफोन का एक ऑफिशियली वेबसाइट है। मुझे बस इतना बता दो कि यहाँ पे वोडाफोन का लोगो या फिर वोडाफोन का नाम क्या कर रहा है? ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। चलो मान भी लेते हैं कि ये वेबसाइट एकदम रियल है, फिर पर अपकमिंग अपडेट इवेंट वाला ही वेबसाइट है और इसको गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन भाई वेबसाइट को ब्लॉक किया ना कि गेम को ब्लॉक किया। और यहाँ पे कोई भी क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारा फिर पर मैच बैन होने वाला है। और सभी क्रिएटर्स से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे समझे कोई भी वीडियो ना बनाए, ऐसे हलबड़ी में कोई भी वीडियो ना बनाए। बस गाइस यार आज का वीडियो ये भी हम लोग खत्म करते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, एंड यार अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी टेंशन फ्री हो सके। और मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों को तुरंत से बता दूंगा। मिलते हैं कम्युनिटी में, तब तक के लिए बाय बाय।